हरिकेन देखा है? हरिकेन, लंटन, लंटन 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 का जो है ना वो रोशनी दिखता है, जो वो लैम्प जलता है उसका, आग जो जलता है वो दिखता है, लेकिन वो जिसके वजह से जल रहा है यानी जो केरोसिन ऑयल, मिट्टी का ऑयल है, वो तो किसी डब्बे के अंदर है ना, वो तो दिखता नहीं है, तो समझे चलो वो वो। हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन वही है, आप सुन तो लो मेरी बात। अब वो लंटन जो है जल रहा है जिसके वजह से उसका दिया, उसका रोशनी, वो केरोसिन दिखता नहीं है लेकिन रोशनी दिखता है बाहर से, लोग समझते हैं रोशनी जल रहा है, लेकिन वो रोशनी किस वजह से जल रहा है ये तो नहीं देख रहे हैं लोग। हमारे अकाबरीन कहते हैं कि आदमी जो अल्लाह के रास्ते में फिर रहा है और उसकी बुजुर्गी दिख रहा है और उस पूरे आलम में दीन की मेहनत करके फिर रहा है और उससे फैज़ सारा दुनिया में फैल रहा है, उसका वजह उसके घर की बीवी होती है। वो अगर दीनदार तो वो माशाल्लाह वो खूब वो फैलेगा उसकी रोशनी और उसके असर दुनिया में मुरतब होंगे। और अगर वो बददीन, अगर वही मान लो, तो उसके असर कैसा होगा? जैसे वही मिट्टी का ऑयल के अंदर अगर थोड़ा पानी मिलावट दिया जाए, मिला दिया जाए या कोई और चीज़ मिला दिया जाए तो कैसा होगा? वो कभी जलेगा, कभी बुतेगा, बुत 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 करेगा, कभी जलेगा बुतेगा, जलेगा बुतेगा, समझे ना। तो मिट्टी का ऑयल अगर बिल्कुल साफ़ सुथरा है तब तो ये कंटिन्यूस मेहनत करता रहेगा, बुजुर्गी दीन की मेहनत में और दीन इबादत में अपने को लगा के रखेगा। और अगर इसके घर में कुछ लफड़ा है, घर अगर इसका बना नहीं है, इसके औरतें अगर बनी नहीं है, तो फिर कभी बुतेगा कभी जलेगा, तो भुक 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 करता रहेगा, कभी बढ़ जाएगा कभी ये हो जाएगा। इसलिए सुनते नहीं हो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्लाह के रास्ते में जाता था, अब जो है बंद कर दिया जाना और पता नहीं क्या हो गया। असल में घर नहीं बनने से ऐसा होता है।